दोस्तों जनरली ये जो वीडियो हर तीन महीने में करते हैं एवरी क्वार्टरली, बट इस टाइम छह महीने के बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बात कहूं, हमने फेस्टिव सीजन दिवाली के अराउंड किया था अंडर 20,000 का वीडियो, उसके बाद में दो तीन महीने तक कुछ लॉन्च नहीं हुआ और अब तीन महीने में बहुत सारे नए फोन्स लॉन्च हुए और कुछ जबरदस्त फोन्स लॉन्च हुए। सरप्राइजिंगली बहुत सारे जो ब्रांड्स जनरली 20,000 के नीचे आते हैं उनके फोन्स, वो इसमें नहीं है, नए फोन्स बहुत सारे। और एक बात कहूं, प्रोबेबली 2-2.5 साल के बाद ऐसे लग रहा है कि हाँ 20,000 जब आप दे रहे हो यू आर getting some good phones. आपको पता चल जाएगा, मैं बताने वाला हूं 5 फोन्स आपको बताने वाला हूं, 2 ऐसे भी बताने वाला हूं जो ब्रांड के लिए आपने लेने चाहिए, 1 ऐसा भी है जो थोड़ा महंगा है बट अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो तो आपने लेना चाहिए। बट आई टेल यू व्हाट, आई एम हैप्पी विद द ट्रेंड दैट स्मार्टफोन्स अब ज्यादा दे रहे हैं फॉर लेस मनी, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों ये जो हम वीडियोस करते हैं ना अंडर 20, अंडर 15, अंडर 30, अंडर 40, ये बहुत ही जल्दी ये सभी वीडियोस आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसिकली बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, उसके बाद में ये पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो अंडर 20 का हम वीडियो कर रहे हैं ना, उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, इनफैक्ट अभी तक का अंडर 20,000 के वीडियो में सबसे जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, बेंचमार्क है, वो अभी रखा हुआ है। बता दूं आपको, अगर आप 20,000 का फोन ले रहे हो, 120Hz AMOLED स्क्रीन चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, साइड माउंटेड चलेगा नहीं, 5.5 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर चाहिए, सो या मीडियम सेटिंग्स पे हैवी गेम्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको खेलने आने चाहिए, स्टीरियो स्पीकर्स आर कंपलसरी, 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए और कम से कम 8GB RAM एंड 128GB स्टोरेज। जी हाँ, 20,000 दे रहे हो इसका मतलब 6GB RAM नहीं, 8GB होनी ही चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है और फिर बहुत सारे फोन हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद में लिस्ट पहुंच जाते हैं। मैं वैसे 6-7 फोन बताने वाला हूं बट चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाद में जो एंड में 3 फोन है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है तो रुकिएगा, जरूर बताने वाला हूँ। बट चौथे नंबर पे आता है लावा ब्लेज कर्व 5G, अभी भी लॉन्च हुआ है, इंडियन ब्रांड है भाई, मजा आ गया। आई थिंक पहली बार लावा का कोई फोन हमारी जो टॉप लिस्ट है उसके अंदर आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि सही में बहुत अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। एक तो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है, कर्व्ड अंडर 20,000 जबरदस्त है, एमोलेड 120Hz है, डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर है, 5G 8 बैंड्स का सपोर्ट है, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, वो भी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो वो सब अच्छी चीजें हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, जो बेस वेरियंट है उसकी 17999 आती है एंड 18999 फॉर 8128 variant. Android 13 is the negative. जी हाँ, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए था। हाँ, 2 साल के मेजर अपडेट्स उन्होंने प्रॉमिस किए हुए, बट Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए 4th नंबर पे आ रहा है, वरना ये और थोड़ा ऊपर भी आता था, 33W चार्जिंग वगैरह, एंड फॉर 18999 आई थिंक 8GB 128GB वेरियंट इज रियली गुड, हेंस एट नंबर 4। ऑलराइट, परफॉर्मेंस, यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये जो तीसरे नंबर का फोन है वो आपके लिए परफेक्ट है, IQ Z9। ओह क्या जबरदस्त है, FHD+ AMOLED 120Hz की स्क्रीन है, इसमें डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर आता है जो फास्टेस्ट है इस प्राइस रेंज में, सबसे ज्यादा अंतुतु स्कोर भी आता है, 44W चार्जिंग भी है, 8GB 128GB है, फ्रंट टच OS 14 है, तो एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अगर नेगेटिव के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें 50MP का OS कैमरा आता है प्राइमरी और वो अच्छा भी है बट अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो थोड़े मार्क्स जो है इधर माइनस हो गए, उसकी वजह से सेकेंडरी सेंसर जो है वो 2MP का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। 19999 इसकी प्राइस है, 2 साल के मेजर अपडेट्स भी आपको प्रॉमिस है, तो 15 और 16 भी आपको मिलता है, सब कुछ देखा गया तो मेरे हिसाब से IQ Z9 तीसरे नंबर पे आता है। और IQ Z9 जैसे ही दोस्तों मुझे लगता है Poco X6 भी बहुत अच्छा है, ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए स्पेसिफिकेशंस के मामले में जबरदस्त है, स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, डिस्प्ले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला ये डिस्प्ले है, एमोलेड है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का प्रोटेक्शन है, तो डिस्प्ले जबरदस्त है। 7S Gen 2 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर आता है, बाकी सब जो है वो डायमेंसिटी पे है, ये क्वालकॉम प्रोसेसर पे आता है, 10 बैंड्स का सपोर्ट है, 8GB 256GB आपको वेरिएंट मिलता है, सो दैट इज गुड। ये 20999 का है, एक्सचेंज वगैरह में आपको 17-18 में मिल जाएगा, तो 1000 रुपए से ज्यादा है, फिर भी 7S Gen 2 है, 8 plus 256 है एंड 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, AMOLED 120, सो ऑल दैट इज गुड, बड़ी बैटरी है 5100 एंड फास्टेस्ट चार्जिंग फोन भी है, 67W का चार्जिंग आता है, सो ऑल दैट इज ग्रेट। इवन कैमरा में OIS है, 64+8+2, मतलब 8MP का अल्ट्रा वाइड भी आपको मिलता है। ओनली प्रॉब्लम इसमें भी, देखिए परफेक्ट फोन होता नहीं है, इसमें भी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, दैट इज वाई ये सेकंड नंबर पे, वरना ये जबरदस्त था, 20999 1,500 से थोड़ा ज्यादा भी है, इसीलिए 2 नंबर पे आता है, लेकिन एक बात अच्छी है, Android 13 होने के बावजूद
तीन साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं. सो इट इज इक्वेलेंट टू गेटिंग 14 एंड गेटिंग 2 ईयर्स अपडेट. सिर्फ आपको थोड़ा डिलेड होगा, इसीलिए पोको X6 जो है दूसरे नंबर पे आता है. एंड फाइनली एक नंबर मुझे लगा नहीं था, लेकिन जब हमने साइड बाय साइड सब फोन्स कंपेयर किए ना, देन दिस वन केम आउट अहेड कि भाई ये एक ऑलराउंड पैकेज है और इसीलिए नंबर वन पे है दोस्तों. रियलमी 12 प्लस अभी लॉन्च हुआ है. 6.67 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ है, डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर है, 9 बैंड्स हैं, 8128 एंड 8256 ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं. 20999 इसकी प्राइस है, बट ऑफर्स में वगैरह आपको कम में मिलने वाला है. 8GB रैम, 128GB, 67W चार्जिंग इसमें भी है, स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, IP54 सर्टिफिकेशन भी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है. इसका कैमरा जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, स्पेशली जो प्राइमरी सेंसर है 50 MP का LYT लाइट 600 सेंसर है, और हमने टेस्ट किया हुआ है दोस्तों, इसके फोटोज अच्छे आते हैं. साथ में अल्ट्रा वाइड भी आता है, और 8128 की प्राइस जैसे मैंने कहा 20999 है. 2 साल के मेजर अपडेट्स भी आपको मिलने वाले हैं. एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स है, सो नो प्रॉब्लम, 15 एंड 16 मिलेंगे. मेरे हिसाब से रियलमी 12 प्लस जो है इट्स अ ऑलराउंड पैकेज और इसलिए नंबर 1 पे आता है. बट बिफोर टेलिंग यू 2-3 मोर फोन्स कि आपको अगर ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए सभी लोग स्पेक्स के पास नहीं देखते. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वन प्लस का ही फोन चाहिए, बाकी सब नहीं, वन प्लस चाहिए मुझे बस. तो उनके लिए है वन प्लस नॉट C3 लाइट 5G. ब्रांड है, अच्छा फोन है, बट अगर इन लोगों के साथ कंपेयर करते हैं तो स्पेक टू स्पेक वो पीछे रह जाता है, बट ब्रांड वैल्यू में वो ज्यादा है, इसलिए वन प्लस नॉट C3 लाइट आप ले सकते हो. और एक ब्रांड है जो हमेशा हमारी लिस्ट में फिगर आउट होता है, या तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मोटरोला. मोटरोला ने रिसेंटली 20,000 के अराउंड कोई फोन नहीं लॉन्च किया, ज्यादा करके 10,000-15,000 इस प्राइस रेंज में, तो उनका कोई फोन नहीं है. बट आपको मोटरोला का ही क्लीन UI एक्सपीरियंस वाला अगर फोन चाहिए तो मैं कहूंगा मोटो G84 5G इज अ एक्सलेंट चॉइस इवन नाउ. और अगर सैमसंग का चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं कि सैमसंग ही चाहिए, तो आपने सैमसंग F34 या M34 ये जो फोन्स हैं उनके पास देखना चाहिए. अब वन प्लस नॉट C3 लाइट एंड G84 में 695 प्रोसेसर आता है. इवन M34 F34 आर प्रीटी गुड फोन्स, स्पेशली OS अपडेट्स, आपको बहुत सारे OS अपडेट्स मिलते हैं, सो वो इंपॉर्टेंट है, उनके पास देखिए. अब आपका सवाल होगा कि भाई अभी नथिंग फोन 2A आया हुआ है, वो इतने सारे लोग कह रहे हैं, बट याद रखिए सिर्फ 12 मार्च को उसकी प्राइस है 20,000, उसके बाद में इट इज गोइंग टू बी 23,999. तो अगर आपको वो एक्सचेंज करके 20,000 के नीचे मिल रहा है, डेफिनेटली नथिंग फोन 2A अंडर 20 के लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा, बट उसकी प्राइस अंडर 20 नहीं है. या फिर 1,000 भी ज्यादा होती तो भी मैं इधर उसको फिगर आउट करता, बट नहीं, इट इज 23,000-24,000 एंड दैट बेसिकली जब हम अंडर 25 का वीडियो करेंगे उसमें वो लिस्ट होगा. बट आपको अगर नथिंग फोन 2A 20,000 के नीचे मिल रहा है, देन इट विल कम एट नंबर 1. तो ये सब डिस्क्लेमर्स थे जो मुझे देते थे, क्योंकि जब हम ये लिस्ट करते हैं दोस्तों, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, और वो सब सोच के हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है, ये लिस्ट बनानी पड़ती है. आई होप यू लाइक इट, आई होप जो एफर्ट हमने डाले हुए, सब कुछ जो मैंने बताया हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर प्लीज कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दिए. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.